नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से है। वैशाली में गलवान घाटी के शहीद के पिता को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, गलवान में शहीद हुए जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाजीपुर में एडीजे 3 नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। शहीद के परिवार का आरोप है कि सरकारी जमीन पर शहीद बेटे का स्मारक बनाने के चलते पुलिस ने राज कपूर सिंह की पिटाई की, उसके बाद गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म है। बीजेपी लगातार सरकार पर हमला कर रही है और उन्होंने बिहार विधानसभा में इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। और नहीं, इस मामले को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की थी और नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि हाजीपुर कोर्ट ने उनके पिता यानी कि शहीद के पिता को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि हाजीपुर पुलिस ने उन्हें SC ST मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। वहीं शहीद के परिवार का आरोप है कि सरकारी जमीन पर जो है शहीद का स्मारक बनाया गया था, जिसको लेकर बिहार पुलिस के द्वारा पहले शहीद के पिता को पीटा गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हुए और लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। खास करके बिहार पुलिस को लेकर लोग नाराजगी जता रहे थे, जिसके बाद जो है इस मामले को लेकर बिहार के DGP RS भट्टी ने DIG को यह मामला सौंपा है और DIG की जो टीम है वो इस मामले की जांच कर रही है और जांच करने के बाद जो है रिपोर्ट है वो बिहार के DGP को सौंपा जाएगा। और इस मामले में जो कोई भी पुलिसकर्मी जो है दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पिता को रिहाई मिल गई है, कोर्ट ने जमानत दे दिया है। हाजीपुर में ADJ 3 नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने जमानत दे दी है। गलवान घाटी में बिहार के लाल जयकिशोर सिंह शहीद हुए थे, उनके पिता राज कपूर सिंह को आज हाजीपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार उनकी जमानत की मांगे की जा रही थी और अब कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में काफ़ी राजनीति तेज है। बिहार पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आखिर शहीद के पिता के साथ ऐसा करना शहीद का अपमान है और यह अपमान जो है कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को भारी पड़ेगा, बिहार सरकार को भारी पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की तरफ से डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को बिहार सरकार जो है गंभीरता से ले रही है और सभी बिंदुओं पर जांच कराया जा रहा है और इस मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।